बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी फ्रॉक लेकर आई हूँ। ये देखें, इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है और ये धागे से, उनके धागे से ये देखें काम किया गया है। ये देखें, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत कलरफुल है। पैरेट के ऊपर इन्होंने ग्रीन, मैरून, शॉकिंग, मस्टर्ड, ब्लू, येलो, रेड ये कलर लगाए गए हैं, फ्रोजी। आइए देखें, ये इस पर, इसके अंदर फिर इन्होंने ये मोती भी ऐड किए गए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आप चाहें तो इनके अंदर भी मोती लगा सकते हैं मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए। ये देखें, ये इसके बैक साइड पर बंच बनाया गया है। ये देखें, ये इस तरह से ये बैक साइड है। ये देखें, इसमें भी मोती लगाए गए हैं। ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हैं और मल्टी शेड है, इसे बहुत सारे कलर्स ऐड किए गए हैं इन्होंने किए हैं। ये देखें, इसी तरह ये घघरी जो है, घघरी की फ्रंट साइड है, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पर भी इस तरह ही ये देखें, इसमें ये कहीं कहीं ये बूटियाँ ऐड की गई हैं और ये पूरी घघरी पर ये फिर इस तरह से ये बेल बनाई गई है। ये सिर्फ फ्रंट पे बनाई गई है, जो इसकी जो घघरी की बैक साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत ऊन में एम्ब्रॉयडरी की गई है। आप अपनी बना सकती हैं बेबी गर्ल्स के लिए, आप अपनी शर्ट्स पर भी इसकी एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, और आप चाहें तो पटियाला शलवार बना के छोटी गोल घेरे की कुर्ती भी बना सकती हैं बेबी गर्ल्स की, बहुत खूबसूरत लगती है। आइए देखें, अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी और फिर हम इसके नीचे जो ये घघरी है इसके नीचे हम ये लेस भी लगाएंगे। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत लगेगी। जो इसमें कलर्स हैं वही सारे इनमें भी हैं लेस में, ये भी हम लगाएंगे। मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। देखिए, हम बिल्कुल दरमियान से जो ये फ्लावर है इसका, ये जो ये वाला है, इसको हम बिल्कुल ऐसे कर लेंगे। देखिए, अब फ्रंट साइड जो है वो हम ऊपर रखेंगे ऐसे करके। तीरा लेंगे, तीरा हमें चाहिए तैयार, हमें चाहिए 9.5 इंच, तो हम उसका हाफ करेंगे तकरीबन 4.25 इंच। 5 इंच से हम इसको निशान लगाएंगे। ये देखिए, साथ ही हमें चाहिए 12.5 इंच। ये देखिए, इस पर हम ये 6.5 पर हम ये इसका निशान लगाएंगे और ये हमें चाहिए तकरीबन 5.5। मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ और उसके बाद थोड़ी सी हम यहाँ से ऐसे भी कटिंग करेंगे और इसकी फिर हम ये गोलाई भी करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा तिरछा भी हम कटिंग करेंगे। ये 6.5 थोड़ा सा ये 4 साल की बच्ची की फ्रॉक है। हम चाहिए 6.5 इंच पर हम ये कट का निशान भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप चौक से भी लगा सकते हैं, चौक से थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है। अब हम इसको थोड़ी सी यहाँ से हम ये गोलाई भी देंगे फ्रॉक की। ये देखिए आप, और हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी तैयार हो गया है। अब हम इसका गला कटिंग करेंगे फ्रंट साइड का, तकरीबन हम 2.5 इंच पर कटिंग करेंगे, 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई, 2.5 बाई 2.5। ये छोटी बच्ची है क्योंकि गला छोटा ही होना चाहिए। पीछे हम बटन टेप या हम कुछ भी बना देंगे, जिप लगा सकते हैं, बटन टेप बना सकते हैं। ये देखें, और बैक का भी हम इस तरह ही रखेंगे।
ये हो गया, ये देखें ये इसकी घघरी हो गई है और ये तैयार है और ये इसकी पेटी है। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स भी दिखाती हूँ कटिंग करके। स्लीव्स में भी हम यही वाली लेस ऐड करेंगे और बाजू हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसके और थोड़े से छोटे भी रखेंगे, छोटी सी बच्ची है। इसके भी हम यहाँ पर ये जो है ये लेस लगा देंगे बाजू पे भी। अब मैं आपको इसका ट्राउजर दिखाती हूँ, ये देखिए ये ट्राउजर है बच्ची का। देखिए हमने लिया है तकरीबन 23.5 इंच है। अब हम जो इसका ये है आसन, हम 11 पे ये करके निशान लगाएंगे। आइए देखिए, और जो पांचा है वो हम तकरीबन 5 इंच का हम निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे निशान नजर आ रहा होगा, ये हमने ऐसे कटिंग करा। जो ये वाला कपड़ा है हमने ये थोड़ा सा इसमें भी ऐड करना है आसन में, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है और इसको हमें थोड़ा सा, बच्चे उठते बैठते हैं तो बच्चे फाड़ भी लेते हैं, पैंटीज जो है फाड़ लेते हैं बच्चे। ये देखिए हम इसको ऐसे लगा देंगे, इसको अच्छा से जरा कटिंग कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पर रखेंगे और थोड़ी सी हम इसको यहाँ से ये हाई शेप कर देंगे। ये हमारा ट्राउजर भी कटिंग हो गया है और फ्रॉक भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये फ्रॉक हमारी रेडी हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ट्राउजर सिल गया है इसका और ट्राउजर में मैंने ये ऐसे ये ऐड किए। ये देखिए लैस, ये देखिए अंदर की साइड से लगाई है मैंने ताकि सिर्फ के फूलने से निकले हुए नज़र आए और ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। ये देखें ये फ्रॉक भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देख रहे हैं आप। इसी तरह मैंने स्लीव्स में भी लगाई है, ये देखें लैस अंदर की साइड से और ये देखें ये गोल गला बनाया है मैंने इसका और फैलावा बनाया मैंने थोड़ा सा और इसी कलर की, सेम कलर की मैंने पाइपिंग कर दी है इस पर। और आप ये देख रहे हैं, ये देखें चूनर्स डाली है मैंने, चूनर डाल के मैंने इसकी फिटिंग की है। और ये देखें ये घघरी है और ये घघरी पर भी मैंने इसी तरह से देखें लैस ऐड की है। और ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत लग रही है, आप बहुत कलरफुल लग रही है, आप देखें बहुत ही प्यारी लग रही है। आप इस तरह बना सकते हैं, अपनी भी अपनी बेटी की भी बना सकते हैं आप, कमीज भी बनवा सकते हैं आप, फ्रॉक भी बनवा सकते हैं और जिस तरह आपको अच्छा लगे आप उस तरह कर सकते हैं। आइए देखें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्लीज़ दुआ में भी याद रखिएगा। आजकल जो अब्बा चले गए, अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको उससे महफूज रखे, आमीन। सो फ्रेंड्स, फातिमा कंवर को अब इजाज़त, खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने गिर्द नवा के लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।